While speaking on gangster-turned-politician Mukhtar Ansari's health condition in prison, his brother Afzal Ansari said that he met him for 5 minutes and alleged that he was given some poisonous substance mixed with his food. He further said, "You must have received the medical bulletin. His condition has been made clear in it. Medical college has made a team and he is under treatment. He is in ICU. I met him for 5 minutes. He is conscious. He told me that he was given some poisonous substance mixed in his food." This has happened for the second time. There is a surgeon and two of his colleagues and they are looking after him. If they are unable to provide him with the correct treatment, they should refer him to some other hospital while there is still time. I have requested them about it. Media was told that his health deteriorated due to Ramzan. Overeating can be a reason, but not fasting. I think if the doctor is independent in treating him, he will follow his duty. तो स्पष्ट किया है जी, मेडिकल कॉलेज में टीम बना दी है और इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बनाई बताई उसी का है, वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने, तब से उनकी हालत खराब है। अब तो नहीं, जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। नीचे रखो तो, फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई नहीं आ रहे, आप ज्यादा जानते होगे बांदा के हो, कौन है? एक सर्जन है और दो उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय रहते मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको रिफर कर दीजिएगा। उनका समय हो इलाज कराने। डॉक्टर की बात है और मुख्तार भारत समाचार क्या कर रहे हैं? समानता थी जो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूँ और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है उसमें। अच्छा। और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कह ले रहे हैं। क्या रमजान के चलते, रोजे रखने के चलते? अब ये तो आप हो सकती है, ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनकी उनके स्थिति में होने का कारण रमजान है। आगे जाओगे तो अभी से डिस्चार्ज की विषय में कोई जानकारी नहीं। अब आप चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सर, डिस्चार्ज के विषय में कुछ बताया, डिस्चार्ज कब तक करेंगे? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है तो कुछ बताया डिस्चार्ज कब तक करेंगे या फिर आगे कहीं कुछ हो? अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा कि उनका इलाज कर सके तो वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाएगा और अगर डॉक्टर स्वतंत्र नहीं है तो क्या डॉक्टर भी कहीं ना कहीं दबाव में है? साफ कहे नहीं, जितनी वर्दी वाले उससे ज्यादा बेवर्दी वाले दबाव में, जिससे ज्यादा LIO है, SOG है, STF है, वर्दी वाले जितने दिख रहे हैं आप देख लो, यहां मत खड़े होइए, यहां न खड़े होइए, यहां नहीं जा सकते, उधर से नहीं निकल सकते, इधर से जा नहीं सकते। तो आपकी डॉक्टर से कुछ बात हुई होगी? मेरी बात हुई है, मेरी बात हुई है, वो एक सर्जन है।
मैंने प्रयास किया और कहा और बैठे भी 10 मिनट कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से करा दें। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले तो कहे हम बात करा देंगे, फिर कहे मुलाकात करा देंगे, फिर वो उन्होंने, तो मैंने देखा कि जो बेचारा कहीं ना कहीं से बेबस जैसा महसूस कर रहा, तो वो फिर अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रिंसिपल साहब नहीं मिल सकेंगे। तो मतलब डिस्चार्ज करेंगे आज, ये तो बेहतर बता सकते हैं कि ये जो फोर्स लगी हुई है। अच्छा, आप क्या करेंगे सर? डॉक्टर को नहीं बता पा रहे, आप रुकेंगे सर बांधे कि कैसे क्या करेंगे? अब आगे आपके, हमारी लोकेशन लेने से आपको क्या मिलेगा? हमारी लोकेशन लेने से क्या मिलेगा? आने के लिए तो जहाँ से बांदा की सीमा होती है उसके आगे से घेरा घेरी शुरू होती है और यहाँ तक घेरा घेरी से मतलब लगी नहीं। अब घेरा घेरी की गाड़ी रोकी है, क्या हुआ है? चुनाव आयोग की आचार संहिता है। अच्छा भाई, क्या करिएगा? गाड़ी की तलाशी लेंगे। आपका कोई मजिस्ट्रेट साहब हो, तहसीलदार भी हो तो बुला लो। थैंक यू सर, थैंक यू। न्यूज डेस्क, कौमुदी ग्लोबल।